हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप पांच ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कभी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपीज़ के होते थे, बट आज उनका रिटर्न देखोगे आप वो 900, 900 रुपीज़, 1200 रुपीज़ या फिर आप देखेंगे स्क्रीन पे 1330 उस प्राइस पे चल रहे हैं। क्या आपके वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है? आप उन स्टॉक को चेक कर सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं जो कभी 50 रुपीज़ से या मान लो 40 रुपीज़ से कम होते थे, बट आज उनका रिटर्न 2000% से भी ज़्यादा हर स्टॉक आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टॉक कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहला आता है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। इसका कोड NSE कोड ये TANLA। आप इसके रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले अभी करंट प्राइस इसका 1330.95, 1330 रुपये इसका करंट प्राइस चला हुआ है। आप इसका रिटर्न देखेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल, 5 साल के अंदर इसका रिटर्न 3439%। तो अप्रोक्स ये मान के चलो ये कभी स्टॉक 35 रुपीज़ का था ये 5 साल पहले, जो आज 3500 रुपये आसपास चल रहा है। अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो ये आज का प्राइस ये 1294 रुपये ओपन हुआ था। कल लोएस्ट, आज का लोएस्ट भी 1294 रुपये, 1357 रुपये हाईएस्ट प्राइस आज का। इसकी मार्केट कैपिटल की बात करेंगे 18 करोड़ रुपये इसकी मार्केट कैपिटल है। आप इस स्टॉक के बारे में चेक कर सकते हैं। ये पहला स्टॉक है, हम 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टॉक आप नोट डाउन कर सकते हैं टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जिसका अभी प्राइस 1330.95 रुपये चला हुआ है। अब सेकंड स्टॉक कौन सा आता है? बालाजी अमाइंस लिमिटेड। इसका NSE कोड ये बाला माइंस, BALA MINES। इसका करंट प्राइस देखेंगे आप 3050, 3050 रुपये इसका करंट प्राइस है। और इसका रिटर्न देखेंगे आप 5 साल के अंदर 768%, 768%। काफ़ी अच्छी कैटेगरी स्टॉक है जिनकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 9 करोड़ रुपीज़ है, 9 करोड़। और 9 करोड़ रुपये का प्राइस आप देखेंगे 3050, 3050 रुपये चला हुआ है। और रिटर्न देखेंगे आप, मतलब कि आप ये चेक कर सकते हैं कि 5 साल पहले स्टॉक किस प्राइस पे होगा जो आज 3000 रुपये चला हुआ है। इसका रिटर्न 768% 5 साल के अंदर इसने दिया। मार्केट कैपिटल आप देखेंगे इसकी 9.86 ट्रिलियन करोड़, मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छी है। और इसका बालाजी MIS लिमिटेड इसका नाम है। इस स्टॉक आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसमें थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्केट कैपिटल 26.81 ट्रिलियन करोड़। इसका NSE कोड मिंडा INDA। अभी करंट प्राइस 936.95 रुपये, 5 साल के अंदर इसका रिटर्न देखें 356%, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी 731 रुपये इंक्रीज हुआ 5 साल के अंदर। अभी इसकी क्लोज की बात करेंगे तो 936 रुपये आज की इसकी क्लोजिंग है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है इस स्टॉक का, मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कभी 150 या कुछ ऐसे रुपये का होता था 5 साल पहले, जो आज 936 रुपये चला हुआ है। और इसके आज ओपन कितने पे हुआ था? 912 रुपये। हाईएस्ट प्राइस इसका कितना? 946 रुपये। लोएस्ट कितना गया? 901 रुपये। मार्केट कैपिटल 26.81 करोड़। अब फोर्थ स्टॉक कौन सा इसमें? नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। NSE कोड में नवीन फ्लोर। अब इसका प्राइस देखें 531% इसकी रिटर्न है 5 साल के अंदर। 3852 रुपये इसका प्राइस चला हुआ अभी। 3852 में से 3442 5 साल में इंक्रीज हुआ है। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा रिटर्न है? इसकी मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो 19.09 ट्रिलियन करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है। ओपन आज 3657 पे हुआ था, हाईएस्ट 3895 रुपये गया, मतलब कि अभी टॉप पे ही चला हुआ है, लोवेस्ट 3657। और आप इसका पर रिटर्न भी देख सकते हैं, देखो इसका ग्राफ आप देखेंगे ऐसे, काफ़ी अच्छा ग्राफ है इसका। आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी रिसर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही करें और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल भी स्टॉकों को आप कर सकते हैं। पाँचवा और लास्ट स्टॉक कौन सा आपका? अल्काई अमाइंस केमिकल लिमिटेड। इसका NSE कोड ये मिलेगा आपको। अभी प्राइस 2810 रुपये है, 5 साल के अंदर 1708% का इसका रिटर्न है। कितना अच्छा रिटर्न है 5 साल के अंदर, 2654 रुपये इंक्रीज हुआ 5 साल में, जो अभी करंट 2810 रुपये चला हुआ है। इसकी मार्केट कैपिटल 14.35 ट्रिलियन करोड़। और इसका प्राइस आज ओपनिंग प्राइस 2688 रुपये था, हाईएस्ट 3036 रुपये, 2680 रुपये 10 पैसे मिनिमम आज का लोवेस्ट था। मार्केट कैपिटल इतनी है। ये पांचवा स्टॉक था। तो मैंने आपको 5 स्टॉक डिस्कस करे, आज 5 स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, पूरी नॉलेज ले सकते हैं इनके बारे में, उसके बाद अपने स्टॉक में बाय और सेल कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है या क्या करना है आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
ये थी वीडियो। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।